राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने दो दो सूचियां जारी कर दी हैं। बीजेपी की दो सूचियों में 124 नाम तय हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक 76 नाम घोषित किए हैं। हालांकि कांग्रेस की पहली सूची काफी लंबे इंतजार के बाद सामने आई थी, तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही अपनी पहली सूची जारी कर दी थी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने 13 दिन बाद यानी कि 21 अक्टूबर को पहली सूची अपनी जारी की थी, वो भी सिर्फ 33 नामों के साथ। हालांकि इसके अगले ही दिन कांग्रेस ने फिर 44 नामों की एक और सूची जारी की। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कल शाम तक राजस्थान के लिए एक और सूची जो है वो जारी की जा सकती है, जिसमें 20 से 22 नाम हो सकते हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि लगातार और भी छोटी सूची जो है वो कांग्रेस जारी कर सकती है, जिससे कि चुनावी रण में उन्हें फायदा हो सकता है, ताकि किसी सूची को लेकर अगर विवाद हो तो वो विवाद जो है वो बड़ा ना नजर आए और उसे कांग्रेस जल्दी से जो है वो सॉल्व कर सके। तो वहीं देरी से टिकट के पीछे रणनीति क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। कांग्रेस राजस्थान में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने के लिए करीब 5 से 6 सूची जो है वो जारी करेगी। इसमें अंतिम सूची सबसे बड़ी हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पहले और ज्यादा अपने प्रत्याशियों के ऐलान किए हैं, ताकि उन्हें प्रचार के लिए ज्यादा समय मिल जाए और यदि कहीं विरोध हो तो डैमेज कंट्रोल भी समय से कर सके। लेकिन कांग्रेस की रणनीति इससे अलग है। कांग्रेस अपने ज्यादातर टिकट रिपीट कर रही है। इसमें विधायक और विधायक प्रत्याशी दोनों शामिल हैं। ये सभी पिछले 5 सालों से अपनी अपनी विधानसभाओं में वैसे ही सक्रिय रहे हैं, इसलिए कम समय में ही उन्हें चुनाव के लिए तैयार किया गया है। अब बात करें तो नवम्बर से शुरू होने वाले नामांकन, कांग्रेस की सूची नामांकन में जिन प्रत्याशियों का नाम आ चुका है, इनके नामांकन की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको बता दें कि 6 नवम्बर तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है, जिसके बाद 9 नवंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। तो वहीं 25 नवंबर को मतदान होगा और आपको बता दें कि मतगणना जो है वो 3 दिसंबर को राजस्थान में होगी। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।